गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आनंद विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज़ नाइटली अटैक। बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाइटली अटैक, रात का हमला। सो इन दिस स्टोरी एंड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो है एक स्टोरी बताई गई है बेटा, जो कि रियल लाइफ बेस्ड है, एक रियल ज़िंदगी के ऊपर है, यानी कि ये सच में हुआ था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर। आई एम रीडिंग हियर, द अवार्ड इज़ गिवन टू अराउंड 24 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16। एक अवार्ड है जो 24 चिल्ड्रंस को दिया जाता है, और उनकी एज कितनी होनी चाहिए इसमें, इस अवार्ड के लिए कम से कम 16 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। ओके, द टू कवेटेड अवार्ड इन दिस कैटेगरी आर द संजय चोपड़ा अवार्ड एंड गीता चोपड़ा अवार्ड। और ये जो प्रतिष्ठित दो अवार्ड्स हैं, वो दो कैटेगरी के लिए दिए जाता है। फर्स्ट इज़ संजय चोपड़ा अवार्ड और सेकेंड इज़ गीता चोपड़ा अवार्ड। और ये कब इंस्टीट्यूट हुए थे, 1978 में, इन द मेमोरी ऑफ चोपड़ा चिल्ड्रन। और किसके याद में किए गए थे, ये जो चोपड़ा हैं उनके बच्चों की याद में। ओके, हु लेड देयर लिव्स वाइल कन्फ्रंटिंग देयर किडनेपर्स एंड आर गिवन टू अ बॉय एंड अ गर्ल रिस्पेक्टिवली फॉर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। ओके, और ये जो अवार्ड है वो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, ठीक है। ब्रेवरी मीन्स बहादुरता के लिए दिया जाता है, जब किडनैपर्स यानी अपहरणकर्ता अगर किसी का अपहरण करते हैं, यानी किडनैपिंग करते हैं, और चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, और वो उन किडनैपर से ब्रेवरी के साथ अगर फाइट कर जीत जाते, विनर हो जाते हैं, तो उनको इस ब्रेवरी का अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है संजय चोपड़ा अवार्ड एंड गीता चोपड़ा अवार्ड। अंडरस्टैंड, द हाइएस्ट अवार्ड इन द कैटेगरी इज़ द भारत अवार्ड। अवार्ड की अगर कैटेगरी में हम देखें तो सबसे हाइएस्ट अवार्ड जो होता है वो भारत अवार्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1987, और जो कि कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कब स्थापित हुआ, 1987 में। और सेकेंड इज़ द बापू गिधानी अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट इन 1988, और सेकेंड जो है बापू गिधानी अवार्ड 1988 में इंस्टीट्यूट हुआ। दिस अवार्ड इज़ इक्वल टू द हाइएस्ट मिलिट्री अवार्ड, और ये जो अवार्ड है ये बहुत बड़ा हाइएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है, इक्वल टू चक्र अवार्ड्स, मीन्स चक्र अवार्ड भी की भी एक कैटेगरी और होती है, चक्र अवार्ड उसके जस्ट सिमिलर ही होता है। द हीरो ऑफ द स्टोरी इज़ द विनर ऑफ दिस प्रेस्टीजियस अवार्ड, और इस स्टोरी के जो विनर हैं वो इस प्रेस्टीजियस, इतने महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट अवार्ड के विनर रह चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। दिस स्टोरी बेस्ड ऑन द ट्रू इंसिडेंट, एज आई टोल्ड यू, दिस स्टोरी है जो वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। इट वॉज अ मिड नाइट इन द मिडल ऑफ फेब्रवरी इन द ईयर फेब्रवरी इन द ईयर 1980। फेब्रवरी की बात है और मिड नाइट थी, आधी रात थी, मिड नाइट फेब्रवरी में बहुत ठंड पड़ती है बेटा, है ना, तो फेब्रवरी की ही बात है, और उसमें फेब्रवरी में एक 1980 ईयर था, उसमें फेब्रवरी मंथ जो चल रहा था उसमें मिडनाइट, एक दिन मिडनाइट आधी रात की बात है। एज यूजुअल इन दिस टाइम ऑफ द ईयर इट वॉज कोल्ड एंड द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद ब्लैक क्लाउड्स एंड द मून वॉज ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू द क्लाउड्स। ओके, जैसा कि हमें पता है ये फरवरी है जो उसमें विंटर सीजन आता है, होता है, बहुत कोल्ड ठंड होती है, और जो बादल है वो ओवरकास्ट मीन्स पूरे घर काले बादलों से घिरे हुए होते हैं। ओके, और जो चांद है, जो मून है, वो भी कभी कभी जो है कभी क्लाउड्स के बाहर कभी अंदर, ऐसा होता रहता है, बट इट वॉज़ फॉलिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, आई सी विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हिल्स स्वेप्ट थ्रू द प्लेन्स एंड दिस मेड इट इवन कोल्डर।
बहुत ठंडी ठंडी हवाएं पहाड़ों से यहाँ से वहाँ बह रही होती हैं, चाहे वो पहाड़ हो, हिल्स हो, ऊंची ऊंची जगह हो, चाहे वो प्लेन एरियाज हो, सभी जगह यहाँ से वहाँ बहती रहती हैं। और वो क्या करती हैं, वो सभी जगह को बहुत ठंडा बना दे, कोल्ड कर देती हैं। इन दिस स्मॉल विलेज लोकेटेड ऑन द अदर बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, एक छोटा सा गांव था जो कहाँ पर मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे था। द विंड्स रेटल द विंडो एंड द स्नेक थ्रू द क्रैक्स टू मेक इवन द इनसाइड, मीन्स एक हट थी वहाँ पर, क्या हो रहा था उसमें एक जो एक विंडो थी उसके थ्रू ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी, जा रही थी और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही थी, साउंडली बहुत आवाज़ हो रही थी, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ हो रही थी। कुशल कुड नॉट स्लीप वेल ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड, एक कुशल नाम का बॉय था जो कि है वो सो नहीं पा रहा था बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से। द थिन पैच्ड क्विल्ट ही हैड ओवर हिम, वो क्या ओढ़ा हुआ था, एक पतली सी रजाई, क्विल्ट मीन्स रजाई। ही हडल हिमसेल्फ एंड ट्राइड टू पुल इट ओवर हिमसेल्फ इन अ बिड टू वार्ड ऑफ कोल्ड, वो अपने आप को कैसे कर रहा था, जैसे वो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फोल्ड कर रहा था, बिल्कुल क्लोज आ रहा था अपने, एकदम सिकुड़ के हम जो लेट जाते हैं उस टाइप से अपने आप को बिल्कुल सिमट रहा, सिमट कर बैठा हुआ था, लेट रहा था वो, क्योंकि इतनी तेज़ ठंड थी कि वो बिल्कुल भी कोल्ड को जो ठंड थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वार्ड ऑफ मीन्स प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को हडल किया होता, मीन्स एक अपने पूरे आर्म्स और लेग्स को बिल्कुल सिकुड़ लिया था उसने। बट इट कुड बेयरली कवर हिम, बट वो ऐसा कर तो रहा था बट अपने आप को कवर करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा था, मीन्स वो बहुत कोशिश कर रहा था ठंड से बचने की, अपने आप को बिल्कुल सिकुड़ के लेटा हुआ था बट वो ठंड से नहीं बच पा रहा था। हाउएवर ही वॉज मोर वरीड फॉर हिज फादर मुकेश, जबकि वो अपने फादर के लिए भी बहुत वरीड था। Who was tired of hard work as a construction site in the nearby town? उसके फादर जो थे वहीं जो शहर था वहीं पर ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोई रिच फैमिली नहीं, मिडिल फैमिली भी नहीं बोलेंगे, मिडिल से भी कम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, एंड वॉज नाउ कफिंग एंड टर्निंग इन हिज बेड ऑन द ओल्ड गॉड, जिनको क्या है उनके फादर को क्या चल रही थी, कफिंग मीन्स खांसी हो रही थी और वो बार बार यहाँ से वहाँ बेड पर अपने जो है अपने टर्न कर रहे थे, यानी करवटें बदल रहे थे। नो बेटर वॉज द कंडीशन ऑफ हिज यंगर सिस्टर, उसकी सिस्टर की भी जो है कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। हु स्लेप विथ हिज मदर ऑन द एडजॉइनिंग कोट, जो कि उसकी मदर के साथ ही जो पलंग लगा हुआ था, कोट मीन्स पलंग बेड, उसी पर सो रही थी। हिज मदर शांति, उनकी मम्मी का नाम था शांति, वॉज हाफ अवेक टेकिंग हिज सिस्टर इन हर बॉसम टू कीप हर वॉर्म, वो जो हैं अपनी उसकी कुशल की जो सिस्टर है उनको अपने साथ बिल्कुल वो क्लोजली सोते हैं हम अपनी मम्मी के, जैसे वो हमें एकदम बचाती हैं सेव करने के लिए कि ठंड ना लगे, हम कहीं अपनी बेटा रजाई वगैरह ना हटा दें ठंड में, हम लोग रात में ठंड ना लग जाए, इस तरीके से वो भी बिल्कुल हाफ साइड में सो रही थी और उनकी बेटी को जो है वो अपने से कवर कर रही हुई थी अपने साथ ही। शी वॉज मोर वरीड फॉर द यंग लिटिल गर्ल देन हर सेल्फ, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड भी थी, ठीक है, बहुत उसकी केयर करती थी। एंड वॉज ट्राइंग टू कवर हर रिपीटेडली, और वो उसको बार बार मतलब जो क्विल्ट थी रजाई थी उससे बार बार झाँक भी रही थी। इट द कोट नेक्स्ट टू हिज मदर बिलोंग टू हिज ब्रदर, वहीं पे पास में एक दूसरा कोट लगा हुआ था जिसपे उसके उसकी जो कुशल हैं उसके ब्रदर सो रहे थे जिनका नाम था रमेश, और जो ओल्डर देन रमेश ओल्डर देन हिम बाय
4 years, जो कि कुशल से 4 साल बड़े थे, एंड हु वॉज टू टायर्ड ऑफ हिज हार्ड वर्क थ्रू द डे, और वो भी अपने पूरे दिन जो काम करते थे उससे वो भी बहुत थक चुके थे. ही हैड नेवर बीन गोन टू स्कूल, वो अब कभी स्कूल नहीं गए थे. ठीक है, वॉट एल्स कुड ही देन बिकम बट अ रिक्शा पुलर, वो दिन भर जो काम करते थे क्या करते थे, वो एक रिक्शा पुलर थे, यानी रिक्शा चलाते थे. और क्यों चलाते थे, क्योंकि उनके फादर की जो इनकम थी वो सफिशियंट नहीं थी उनके लिए. ठीक है, कुशल कम ओवर ब्रिंग योर कुल्ट टू, वो बोलते हैं कुशल से कि कुशल तुम यहाँ आ जाओ अपनी रजाई लेकर. वी कैन सी स्लीप टुगेदर, हम दोनों साथ में सो जाते हैं. वन क्विल्ट इज़ नॉट इनफ फॉर दिस कोल्ड, रमेश स्टर्ड इन हिज बेड. तो क्या होता है, वो बोलते हैं, रमेश बोलते हैं कि एक रजाई जो है इतनी कड़क ठंड के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो तुम यहाँ पर आ जाओ. वो थोड़ा सा उठकर ऐसा उन किसे कुशल से बोलते हैं. ओके, द मनी ऑफ दीज टू अर्न वॉज हार्डली सफिशियंट टू फीड द 8 मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इस फैमिली में जो है 8 मेंबर्स टोटल थे. हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड हिज यंगर ब्रदर सुंदर, उनके जो कुशल के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और जो छोटा भाई था सुंदर, स्लैप्ड इन द ज्वाइनिंग हट, वो वहीं पर ही पास में हट में सो रहे थे. डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, इसके बावजूद भी हिज फादर मेड श्योर दैट एटलीस्ट कुशल एंड सुंदर वेंट टू स्कूल, मतलब इतना कम कमाने के बाद भी वो उसके बावजूद भी जो सुंदर और कुशल के पापा थे, फादर थे, वो चाहते थे कि ये दोनों कम से कम स्कूल जाएं. इट बिगनिंग द गवर्नमेंट स्कूल, चाहे वो किस में ही जाएं, स्टार्टिंग ही वो किस गवर्नमेंट स्कूल से ही क्यों ना करें. दे हैड नॉट टू स्पेंड मच फॉर देयर एजुकेशन, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एजुकेशन पर स्पेंड कर सकें. कुशल वॉज नाउ इन द 8th स्टैंडर्ड, कुशल जो था वो कौन सी क्लास में आ चुका था, 8th स्टैंडर्ड में. ओके, कुशल कम ओवर, इट्स टू कूल, कुशल जो है वो अपने ब्रदर के पास आते हैं और बोलते हैं यहाँ बहुत ठंड है, वी कांट स्लीप टुगेदर, हम तो साथ में भी नहीं सो सकते हैं. कुशल वॉज अबाउट टू सिट अप व्हेन ही हर्ड द डल थड ऑन द रूफ ऑन द टेरेस फुट ऑन द टेरेस्ड रूफ, कुशल जो है वो उठकर बैठ जाता है. क्यों बैठ जाता है, क्योंकि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि छत से आती है, एज इफ समबडी वॉज वॉकिंग देयर स्लोली एंड केयरफुली, और वो आवाज़ कैसी थी, जैसे कोई छत के ऊपर स्लोली स्लोली और बहुत सावधानी से चल रहा हो. रमेश पूछता है वॉट इज दैट साउंड, इज इट यू, ये वो साउंड क्या था, क्या तुम थे. बिफोर कुशल कुड स्पीक, इससे पहले कुशल कुछ बोल पाता, ही अर्ड अ विस्पर, उनको कुछ ऐसे हम गुनगुनाने की, यानी कि विस्परिंग मीन्स एक दूसरे से कान में हम जैसे फुसफुसा के बात करते हैं वो सुनाई देते. नॉट दिस, नहीं ये नहीं है, मूव टू द नेक्स्ट हाउस, आई से द नेक्स्ट, तो क्या आवाज़ आती है, नहीं नहीं ये नहीं, नेक्स्ट हाउस, इसका अगले वाला हाउस, इतना कहने इतनी आवाज़ उनको आती है कि कोई ऐसा कह रहा है. कुशल लुक टू द सीलिंग इन द डार्क रूम, कुशल क्या देखता है, डार्क रूम में सीलिंग के पास देखता है. ही कुड नाउ हियर मोर फीट पासिंग ओवर द फूट, उसको वहाँ से क्या दिखता है कि उसको सुनाई देता है कि कोई वहाँ से सच में, उसको पैरों की आवाज़ आती है, कोई वहाँ से जैसे छत पे से निकल रहा हो. रमेश ऑलमोस्ट विसल, देयर इज समवन, रमेश उसको चुप रहता है, धीरे से बोलता है चुप हो जाओ, वहाँ कोई है. मुकेश टू वॉज डिस्टर्ब फॉर स्लीप, सो मुकेश जो होते हैं उनको भी आवाज़ आ जाती है तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं स्लीप सोते सोते. आर यू वॉकिंग अबाउट कुशल, और वो सोते सोते बोलते हैं क्या तुम चल रहे हो कुशल, तो कुशल बोलते हैं नहीं फादर, नो फादर, आई थिंक देयर आर पीपल आउटसाइड ऑन द रूफ, बाहर के साइड कुछ लोग हैं, उनकी आवाज़ है ये. शांति
टू वॉक अप अलार्म्स, जो उनकी मदर होती हैं वो भी इस आवाज़ से उठ जाती हैं. दे आर फॉर श्योर गोइंग फॉर अ काफ, वो बोलती हैं ज़रूर गाय का बच्चा है जो वो वहाँ से जा रहा होगा उसकी आवाज़ होगी. मुकेश ट्राई टू रिलैक्स हर, वो उनसे बोलती है शांत हो जाओ कोई बात नहीं, डोंट वरी शांति, इट मस्ट बी सम स्ट्रे डॉग ऑन द रूफ, कोई बात नहीं, आई विल जस्ट, हो सकता है कोई रोड का रास्ते का कोई डॉग होगा वो वहाँ से वो होगा छत पर, आई विल जस्ट गो एंड शू इट अवे, मैं जाता हूँ और उसको भगा कर आता हूँ. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा. ये जो चैप्टर है इस वीडियो में ओवर नहीं हो पाएगा, तो मैं सेकंड वीडियो बना रही हूँ उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे. ओके.